हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। फ्रेशर्स भी एलिजिबल होने के केस में बिल्कुल इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकते हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी एंड अदर पोस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। कई सारे सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं। आउटसाइड स्टेट के कैंडिडेट, एक क्वेरी रहती है कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इंटरव्यू में अपियर हो सकते हैं या नहीं। बिल्कुल एनसीईआरटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बाहर के स्टेट के कैंडिडेट के लिए अगर पॉसिबल है उस लोकेशन पर जाकर इंटरव्यू देना या पॉसिबल है बाद में वहाँ पर आकर जॉब करना, तो एलिजिबल होने पर वो भी बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं या फिर इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। 6 पेजेस की टोटल एडवर्टीजमेंट है। इसमें सबसे लास्ट पेज में आपको 6 पेज नंबर पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म नज़र आएगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, आपको फिल कर लेना है और फिल करके दिए गए एड्रेस पर, दिए गए टाइम पर आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैरी करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने में बहुत केयरफुल रहा करें, क्योंकि जॉब बार बार मिलेंगी लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके मिसप्लेस नहीं होने चाहिए। फोटोकॉपीज वगैरह लेकर आपको वेन्यू पर दिए गए टाइम पर 1 घंटे पहले पहुँचना है। सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं एडवर्टीजमेंट में ये हम देख लेते हैं पहले, और कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है ये भी चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर कर्नाटका से। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर कर्नाटका, एक ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी की कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, RIE मैसूर। इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो न्यूज़ में आप देखेंगे वैकेंसी नोटिफिकेशन, वॉक इन इंटरव्यू प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर वन एकेडमिक ईयर। तो वन एकेडमिक ईयर के लिए है ये, 2022-23 मतलब मार्च अगले साल, नेक्स्ट ईयर 2023 में मार्च या अप्रैल में सेशन एंड होगा, तब तक के लिए। डाउनलोड करेंगे तो मैंने आपको बताया 6 पेजेस की, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, पीजीटी के लिए बहुत सारा मैंने कल इवनिंग में, लेट इवनिंग में बताया, बनाया है ये वीडियो ऑलरेडी, लेकिन पीजीटी के लिए डेट बहुत ज़्यादा निकल गई, लेकिन पीजीटी के लिए अभी भी 2 बजे वाली पीजीटी मैथ्स बची हुई है और पीजीटी कॉमर्स 4 PM बची हुई है। बाकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 26 मई को वॉक इन इंटरव्यू है, संस्कृत, कन्नड़ा, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन के लिए। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, डांस, योगा, ड्रामा, होम साइंस, ड्राइंग एंड पेंटिंग, कंप्यूटर साइंस, इन सब के लिए 27 मई को वॉक इन इंटरव्यू है। प्राइमरी टीचर के लिए 2 पोस्ट हैं, 28 मई, 28 मई को वॉक इन इंटरव्यू है। एनटीटी के लिए 28 मई को वॉक इन इंटरव्यू है और वोकेशनल टीचर को भी के लिए भी 28 मई को वॉक इन इंटरव्यू। इसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट लाइब्रेरी की अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो 28 मई को वॉक इन इंटरव्यू है। सैलरी सबके लिए लिखी हुई है, सबसे ज़्यादा सैलरी पीजीटी के लिए, सॉरी पीजीटी की लेट थोड़ी निकल गई, 27,500, एज बिलो 40 ईयर्स। टीजीटी के लिए सैलरी सभी सब्जेक्ट के लिए, ऑल सब्जेक्ट 26,250 जैसे केवीएस कॉन्ट्रैक्ट पर देते हैं। एज बिलो 35 ईयर्स। वर्क एक्सपीरियंस टीचर ऑल सब्जेक्ट 26,250 रुपीज पर मंथ सैलरी है, एज बिलो 35 ईयर्स। पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर के लिए एज बिलो 30 ईयर्स 21,250 पर मंथ, और एनटीटी के लिए 30 या 30 ईयर्स के बिलो एज होना चाहिए, 20,000 रुपये पर मंथ। वोकेशनल टीचर के लिए 25,000 रुपये पर मंथ, एज लिमिट 37 ईयर्स या बिलो। लाइब्रेरी वाले के लिए 19,000 पर मंथ सैलरी, 27 ईयर्स एंड बिलो एज होनी चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लें, डिटेल्स चेक कर लें। डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, एप्लीकेशन नहीं डालनी है। वेन्यू चेक कर लें एडवर्टीजमेंट में और वॉक इन इंटरव्यू अपियर हो सकते हैं। मैसूर में है।